प्रधान जी, सब बर्तन निकाल, पूरा बर्तन निकाल दे। हरकेश, हरकेश, एक काम कर, देख आधा सामान इधर फेंक दे, आधा उधर फेंक दे। ठीक है। पहले मेरी बात सुन। अरे हरकेश, दिमाग खराब है? पहले चुपके से मेरी बात समझ ले। जो अच्छे बर्तन हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, उसको हमारी तरफ रखना, जो टूटे बर्तन हैं, उसकी तरफ रख देना। जाओ टूटा हवा बाबू, की करे। प्रधान जी, हाँ, हमका एक चीज नहीं दिखा दबा। क्या? जौने खिए तनी बड़ी टठिया रही, जौने तनी बड़ी की टठिया रही, खड़ी बारी वाली। हराम खोर, फूल की थाली है, उसे मैंने अपने बक्से में रख दिया है। चुप, उसका जिक्र मत कर। अरे अरे, वो गीता भाभी के मामा जी बहन है, उसकी जिक्र मत कर, उसे हमने अपने बक्से में पहले ही डाल लिया है। इतनी बड़ी बेईमानी। चुप, मैं बड़ा हूं। एक काम करो हरकेश, लगाई दी मेरा सामान मेरे कमरे में पहुंचा दो, और इसका सामान उसी झोपड़ी में रख दो। आकाश, एक बात का ख्याल रहे। क्या बात है भैया? हमारे 11 बीघा जमीन की तरफ कदम नहीं रखना। अगर नहीं रखूंगा भैया, अगर कदम रखेगा तो तेरा पैर कटवा दूंगा। और जो ये दो तल्ले की बिल्डिंग देख रहा है, इसकी तरफ निगाह उठा के मत देखना। अगर इसकी तरफ देखा भी तो तेरी आंखें निकलवा लूंगा। बड़े भैया, कान खोलकर आप भी सुन लीजिए। क्या? 11 बीघा जमीन और दो तल्ले की बिल्डिंग की तरफ नजर उठाने की बात कर रहे हो। मैं मालिक की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं तेरी सरजमीन और तेरी हवेली की तरफ मैं थूकूंगा नहीं। कचरी कंठी वाली, देख रहा भैया, मैं प्रधान हूं आपके गांव का, मैंने कोई बंटवारा गलत किया? हमेशा ईमानदारी का काम किया है। कचरी कंठी वाली, चलो हम लोग आराम करते हैं, और इसका सामान झोपड़ी में रख देना, वहीं रहेगा, मैं जा रहा हूं। वारे भैया, आज आपने मनचाहा काम कर ही लिया। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अन्याय तुम मेरे साथ करोगे। बड़े भैया, आज मुझे अलग होने की चिंता नहीं है, सर सामान बटने की चिंता नहीं है। आज आपने मुझे झोपड़ी दे दिया, सरजमीन जो कुछ भी दे दिया मुझे मंजूर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने आज अच्छे मौके पर मुझे धोखा दिया है। मेरी गीता की तबीयत बराबर नहीं रहती, उसके पेट में मुन्ना पल रहा है, अगर अचानक उसे कुछ हो गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि आज मुझे फूटी कौड़ी के लिए मोहताज बना दिया। मैं अपनी गीता, अपनी पत्नी का इलाज कहां से करूंगा? इस बात की चिंता मुझे बहुत बड़ी है। खैर कोई बात नहीं है, इस दुनिया में मालिक ने अगर
पैदा किया है तो दो वक्त की रोटी जरूर देगा भैया। अरे ओ गीता, गीता देखो गीता, शायद तू मेरे ऊपर नाराज हो। गीता मैं तेरे ऊपर नाराज नहीं हुई तो सिर्फ ऊपर से बिगड़ रहा था, इसलिए गीता कि मैं तेरे हर बात को समझता हूँ और जानता हूँ कि तू ऐसा कदम कदाप नहीं उठा सकती हो, लेकिन बड़े भैया भाभी के कहने से अगर मैं ऐसा ना करता तूने इस बात को लगता कि हकीकत में गीता गलत है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी बात उनके दिमाग में हुई आई कि गीता आज भी गलत है, अगर सच है तो मेरा ओझा सच है। ठीक है गीता, मालिक पर भरोसा रखो, सारा दुख दूर हो जाएगा। क्यों नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ स्वामी। ध्यान से बात गीता हमारी सुनो, जा रहा आज मैं गंगापुर बहना के घर, मांग पैसे वहां से अरे लाऊंगा मैं तेरा इलाज, प्यारी कराओगा मैं। मैं सोच रहा हूं कि आज तेरे ननद के घर अपनी बहन के घर गंगापुर चला जाऊं और वहीं से कुछ पैसे लाऊं, तेरा दवा हो, उसके बाद फिर खाने पीने का इंतजाम देखा जाएगा। मेरी बात सुनो ना, अरे दीदी के घर न जाओ ये प्यारे पिया, क्या कह रही हो आपसे जो ये कहती सुनो ध्यान से, दीदी के घर से पैसा ये लाए पिया, ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो पिता, दीदी के घर से पैसा ये लाए पिया, क्या तुम्हें पैसा दीदी देगी सुनो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अपने बहन के घर से पिछला 2000 रुपया लाया हूँ आज तक वो पैसा नहीं दिया हूँ, बहन पैसा देगी या नहीं देगी? अभी तक उनका पैसा आप वापस नहीं किए और पैसे के लिए आप फिर जा रहे हैं, क्या दीदी आपको पैसा देगी? गीता तू सोच रही हो कि मैं बहन का पैसा भूल गया हूं? अरे गीता कर्ज कर्ज होता है, कहा गया है कि जिस इंसान के पास कर्ज होता है उसके कलेजे में दर्द होता है, तो इसके लिए क्यों चिंता करती हो? ओ मेरी सगी बहन है, कोई पराई नहीं है, मैं सगा भाई हूं कोई पराया नहीं हूं, पैसा क्यों नहीं देगी? अगर नहीं देगी पैसे घर वापस आऊंगा, तेरे तबाह का इंतजाम कहीं से भी करूंगा और मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है नाथ, जब तुम्हारी यही जिद है तो तुम्हारी बहन और आप उनके भाई हैं, आप गीता जा सकते हैं, तो मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूं कि शाम होने के पहले पहले घर वापस आ जाऊंगा और स्वामी तेरी तबा का इंतजाम अवश्य करूंगा। क्यों नहीं नाथ, चला रहा उठा कुरान को देखो तो ये पैगाम लिखा है,
बड़ी तारीफ लिखी है, बड़ा इनाम लिखा है। आदरणीय मेला मालिक, मेला कमेटी के पदाधिकारी गण, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के दर्शक प्रेमियों, हमारी आई हुई माँ बहने व देश के कलाकार भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। दोस्त आप लोग हमारा परिचय सुनिए, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। दोस्तों मेरा नाम श्री राम है, मेरा नाम श्री राम है, मैं गंगापुर का रहने वाला हूँ। हमारी पत्नी का नाम राजकली है, हमारी पत्नी राजकली कुछ अलग मिजाज की है, इसलिए कि मेरे माता पिता जिंदा रहे तो दहेज की लालच में शादी कर दी है। दहेज की लालच में मेरी शादी हो गई, मैं कहता कुछ और हूं तो राजकली करती कुछ और है। मेरी ससुराल गंगापार अमरपुर में है, बड़े साले का नाम श्री राम प्रकाश जो ग्राम प्रधान है, छोटे साले का नाम आकाश कुमार है। दोस्तों माता पिता हमारे जिंदा रहे तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाए थे, अच्छी पढ़ाई लिखाई किया था मैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं नौकरी की तलाश में निकला, मैं नौकरी की तलाश में निकला, मुझे एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर का पद मिल गया, मैं वहीं पर ड्यूटी करता हूं। लेकिन जब कभी भी मैं अपने घर आता हूं तो राजकली गायब रहती है, वो मौके पर नहीं मिलती। मैं आज भी देख रहा हूं कि राजकली गायब है, मेरे घर पर ताला लगा हुआ है। एक हमारा पड़ोसी है, बड़ा ही खास दोस्त है, हमारे दोस्त हमारे साथी का नाम हरकेश है। मैं उसे आवाज लगाता हूं, अगर इस मोहल्ले में होगा तो वो जरूर आएगा, उससे मैं मालूम करूंगा कि राजकली गई कहां। अरे भाई हरकेश, हम कहे भैया नौ सत्ते तिरसठ नौ सत्य का हुई है तो पूछता। अरे हम कहे भैया नौ सत्य हरकेश, पढ़ाई लिखाई का कुछ मतलब होता है, तुम्हारे कहने का मतलब नौ सत्य का मैंने बता दिया तिरसठ, हाँ तुम कहना क्या चाहते हो, सब सब बोलो। अब बात समझ में आई है, यानी जब तुम्हें जो बात बोलनी नहीं आती क्यों बोलने की कोशिश करते हो, उसे नौ सत्य नहीं बल्कि नमस्ते कहा जाता है। हाँ नमस्ते। अब भैया छह बच्चा बा, हाँ बारह बच्चा है, बारह हरकेश। हमार पड़ोसी है दोस्त, पड़ोसी पड़ोसी के कोल्हानी के आटा तक जाना था। अरे भैया ये सब बात ही नहीं कहे हरकेश भाई, तो का मालूम बा कि हम जब कबहू आए थे तो हमार राजकली का मुलाकात नहीं होते, ये तो हमहू जानत ही। लड़का का परे तीन के वही है कहीं साहब, हमार हंसी उड़ावत है। ए भैया हंसी नहीं उड़ावत है, हम राजकली के चाल चलन सब कहवावत बा। कांता भैया राजकली का का हिसाब बा, एक महीना तोरे किया तो छह महीना अपने किया। बात समझ में आ गई, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है, हाँ कि लोग कहीं जाते हैं किसी से मिलते हैं तो नमस्ते दुआ सलाम के बाद ये पूछते हैं कि भैया सब कुशल बा, परिवार में सब ठीक है, हाँ भैया सब अच्छा बा, हाँ भैया। तुम्हारे कहने का मतलब ये समझ गया, हाँ एकदम ठीक है भाई, हाँ सफर बड़ा अच्छा रहा यार, इसलिए परेशान हूँ, कहाँ गई होगी वो हमका लागत बा, हम धनवा खिया गई है। अच्छा पर धनवा खिया गई है, ये भाई जहा आवा चली हो घरे,
ठीक है हरकेश भाई, लेकिन ये भाई सोच रहा हूँ हाँ कि इतने दिनों के बाद अपने घर आया हूँ, कुछ मालिक को याद किया जाए, कुछ हो सकता है उसका किस सारा हो जाए, उसका कुछ कर्म हो जाए। हाँ दोस्त। ए भैया बात क्या है? ई बिगौना में का बा? ई बिगौना में का बा? बिगौना नहीं, चीता लेके आए है। अरे ये बैग है या हेमन का बा? सारा सामान है यार। मुसहन्नी बा? मुसहन्नी नहीं हेमा, बेड़ी नहीं आए। इतना बड़ा बड़ा होता मुसम्मी? हाँ हाँ, ठेला ठेला? अरे ठेला नहीं, बस लेके आए। इतना बड़ा होता केला? लंगुरवा? अरे अरे, लंगूर देसी ली आई, क्यों अंगूर ली आई? इतने बड़ा बड़ा जनू वाला अंगूर? हाँ हुआ हुआ है, सब कुछ मिलेगा, लाया हूँ, धीरे रखो। हाँ साहब, आपके सामने नाते अकीदत पेश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दिल को सुकून आंखों को ऐसी करार दे, ऐसी जिंदगी मेरे परवरदिगार दे। अच्छा हुआ बुरा हूँ मैं बंदा हूँ तेरा, इस दिल में अपनी सारी मोहब्बत उतार दे। निगाहें शर्म सहे अस्कवार दे देना, तेरे कर्म के है उम्मीदवार दे देना। इज्जत और दिलत तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी हो परवरदिगार दे देना। चलूं तो कैसे चलूं रास्ता नहीं मालूम, किधर है मुल्क मदीना मुझे नहीं मालूम। मदीने जाना तो मेरा प्याम कह देना, भटक रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। चाहे नसीब मदीना मुकाम हो जाए, दरे हबीब पे अपना सलाम हो जाए। मदीना जाऊं आऊं फिर मैं मदीना जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा, खुदा बंदा मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए। खुदा बंदा मेरा पूरा। खुदा बंदा मेरा पूरा, खुदा बंदा मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए। खुदा बंदा मेरा, खुदा बंदा मेरा पूरा, यही अरमान हो जाए। मेरा पूरा यही अरमान हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा पे जिंदगी, मोहम्मद मुस्तफा पे जिंदगी कुर्बान हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा पे जिंदगी, कर दे अगर अल्लाह के दिलवर। आशिके रसूल अगर इस महफिल में तशरीफ फरमा है तो मैं तवज्जो चाहूंगा, कुर्बान जाइए। मदीने से दुआ कर दे अगर अल्लाह के दिलवर।
का बच्चा बच्चा, हिंद का बच्चा 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 बच्चा, यहाँ का बच्चा बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, यहाँ का बच्चा बच्चा। अदालत से खुदा के कोई दोजख जा नहीं सकता, क्यों? अदालत से खुदा के कोई दोजख जा नहीं सकता, अदालत से खुदा के कोई दोजख जा नहीं सकता, वकालत में मदीने का, वकालत में मदीने का अगर सुल्तान हो जाए, वकालत में मदीने का, मेरे दिल में मोहम्मद मुस्तफा का नूर तू भर दे, दिल में मोहम्मद मुस्तफा का नूर तू भर दे, ये लाही मेरा सीना, ये लाही मेरा सीना सूरह रहमान हो जाए, ये लाही घर, खुदा का नूर बनकर मेरे घर मेहमान हो जाए, खुदा का नूर बनकर। हरकेश कहाँ गए? आए भैया। यार समय इतना गुजर गया लेकिन राजगली का कोई पता नहीं। अरे भैया समय रास्ता कट गया यार, तलाश करके आवाज चली, आवाज चली। मस्त है, आफत भला कहां से आई गए? ए बेटवा आ माई बतावा मोरे भाइयो। ओ बतायो मोरे भाइयो। ए है जगाड़िया कावा ई बता, हमरे बिना बैठे मैंने कुल लगाए है कि नहीं? कुसली लगाई यही ए चार है में बैठने। हाँ तने मेरे विषय में। हाँ। मेरे बारे में बता दे, तेल लगा के बैठा। तेल लगा के बैठा इसे बतावत है भैया। अरे आपो सब जानता है, वह देखा मायू बहनियारे सब जानती है कि हमरे दीदी के बारे में काव बाट है। ज्यादा कुछ नहीं बा, केवल ढाई किलो खटकिरवा बा, ढाई किलो खटकिरवा बा, सवा किलो चौगड़िया बा, सवा किलो चौगड़िया बा, और लीक से संभल ऐसे पारी भी ना। ये है जगाड़ू, हमारे विषय में बताता तेल है चौगड़िया बा जुआ बा, ये बतावा था। हाँ जगाड़ू ये बतावा तुहन तो कहू कि हमारे बारे में बता। हाँ जगाड़ू
करे इतना मार दे ना तो वो मरवाए ना हो बे हमारे मरवावत मरवावत आदत पड़ गई है तेरा हाजे बतावे के हाँ बतावा हाँ। मोरे भाइयो मेरा नाम राजकली है और मेरे स्वामी का नाम महेशवा है महेशवा है जगाड़ा श्री राम हाँ श्री राम महेशवा अच्छा ए है जगाड़ा हमारा 2000 रुपया लग गवा आकाश लग गया है 2000 रुपया अबे तक आए ना है जगाड़ा पैसा दे अच्छा आकाश भैया हमार मन से धुआ का सुबह हमारे जो हमारे प्रधान है हाँ। बतावा हमारे कितना हमका मियाद थे नो और तो हाँ भैया ना बहन ये कसुबा हमका एक को पैसा के मियाद ना है हाँ। हम एक चेहरा ना देखे चाहे था जगाड़े का आओ एक के श्री दुलारे तो उनके बहन ही हैं हम जाता ही नोखे का अब जाता ही नहीं हरे हम नहीं हरे जाती यहाँ हाँ। काहे बरे पैसा पैसा कमी होगी का और का मतलब अब अबे भाई और फिर तुम्हें रवानगी हाँ लेकिन हम चाहता ही हाँ हाँ कसुबह ना हाँ। पैसा ना आज है बात अच्छा लेकिन हम जाता ही आज जो का हम बदल हम ले वह पैसा मांगे जाती है हाँ। लेकिन कैसे जाती है हे राजा हमें के बनारस घुमाया